नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आप IAS में। समीक्षा सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6 है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। आज हम डिस्कस करेंगे और 1995 से 2019 तक के ये सारे कॉन्सेप्ट्स ये रहेंगे, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम पूरा लेसन क्वेश्चंस के माध्यम से, UPSC के क्वेश्चंस के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो आज तक पूछे गए हैं केवल 5 क्वेश्चन, बट ये सारे जो हैं नेचर और प्रोविजन बेस्ड हैं। बट आप इसको इतने लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि लगभग लगभग UPSC का फ्रिंज एरियाज़ में भी UPSC कई कई बार जो है क्वेश्चन पूछ लेती है। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखते हुए फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दोस्तों, इस क्वेश्चन में UPSC पूछती है कि नो वन कैन बी कंपेल्ड टू सिंग नेशनल एंथम सिंस। अब ये पूछा गया था 1996 में, तो इसमें देखिए ये क्यों नहीं जो है किसी को कंपेल किया जा सकता है नेशनल एंथम सिंग करने के लिए। तो देखिए, इसका पहला ऑप्शन UPSC ने दिया था, इट विल बी वायलेटिव टू फ्रीडम ऑफ राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा होगा कि ये वायलेटिव होगा फ्रीडम ऑफ कंसेंस, और तीसरा ये होगा। तो इसमें जो है तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं आइए जानते हैं। देखिए, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 जो है उसका सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जनगणमन को गाते समय हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है या फिर वहां पर डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, तो ऐसा कोई भी एक्ट को जो है 3 साल की सज़ा या फिर फाइन जो है दोनों जो है उसे दिया जा सकता है। तो इसी के लिए जो है इसी रिगार्डिंग में जो है 11 अगस्त 1986 को सुप्रीम कोर्ट ने जो है केरला हाईकोर्ट का जो जजमेंट है बिजोई इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि स्पीच और एंड एक्सप्रेशन किसको इंक्लूड करता है, राइट टू रिमेन साइलेंट। तो आप इसको ये याद रख लीजिए कि राइट टू रिमेन साइलेंट इज़ इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो देखिए, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर आप उनको जेन्यूनली अगर आप उनको कंपेल करते हैं और उनको फोर्स करते हैं, तो ये वॉयलेटिव होगा और कॉन्ट्रावीन करेगा किन्हें, आर्टिकल नंबर 19(1)(a) और आर्टिकल नंबर 25(1) को। तो ये जो राइट्स इनको गारंटी किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो आप उनको एक तरीके से जो है कॉन्ट्रावीन करेंगे, तो ऐसा कोई भी काम आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दोस्तों, इस क्वेश्चन में UPSC पूछती है फंडामेंटल राइट्स के नेचर के रिगार्डिंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज़। देखिए, राइट एंड ड्यूटीज़ आर कोरिलेटिव। तो देखिए, राइट वो कहते हैं ना कि जैसे जैसे अधिकार बढ़ेंगे जैसे जैसे शक्तियाँ बढ़ेंगी वैसे वैसे आपके जो है दायित्व भी बढ़ेंगे। जैसी जितनी बड़ी शक्ति होगी उतने ज़्यादा दायित्व होंगे, यानी कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर कोरिलेटिव। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, राइट आर पर्सनल हैंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज़। तो दोस्तों, ये नहीं हो सकता, राइट कभी भी पर्सनल नहीं होते और जो है वो इंडिपेंडेंट सोसाइटी के तो हो ही नहीं सकते। तो ये ऑप्शन वैसे कई कई कंटेक्स्ट में ये सही भी हो सकती है, बट यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा स्टेटमेंट UPSC देती है, राइट नॉट ड्यूटीज़ आर इंपॉर्टेंट फॉर एडवांसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ सिटीजन। नहीं, देखिए, जब राइट्स और वो कहते हैं ड्यूटीज़ और राइट्स में जब दायित्व और अधिकारों में जब सामंजस्य होगा, वेन देर विल बी अ बैलेंस बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज़, तो तभी जाके हम कह सकते हैं कि एक पूरा सिटीजन सही है। और ड्यूटीज़ नॉट राइट आर इम्पॉर्टेंट फॉर स्टेबिलिटी। नहीं, देखिए, ड्यूटीज़ और राइट्स दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं सोसाइटी के जो है आगे बढ़ने के लिए। तो आइए जानते हैं। देखिए, ये लक्ष्मीकांत का जो है एक चैप्टर है फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसको जो है हम लोगों ने सीधे सीधे यहाँ पे ले लिया है। तो देखिए, इसमें पहले चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाला है, देखिए, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन आर कोरिलेटिव एंड इनसेपरेबल। और उस टाइम जिस टाइम हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनी थी, उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं लगा, बट 1976 में जो होता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है जोड़ा जाता है। और वहीं 2002 में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी जो है जोड़ी जाती है। और अगर देखें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जब हम बात करते हैं, तो ये ली गई हैं USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो देखिए, इसका एक शॉर्ट नोट हम लोगों ने तैयार कर लिया है कि द राइट और सिटीजन के जो ड्यूटीज़ हैं वो कोरिलेटिव और इनसेपरेबल हैं। और जो है हालांकि ये शुरुआत में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, बट इनको इनकॉर्पोरेट किया गया संविधान में जो है आफ्टर द DPSPs। देखिए, संविधान में देखिए दो प्रकार के हैं, DPSP जो है
वो किसके लिए है, इट प्लेसेस रिस्ट्रिक्शन अपॉन द स्टेट। वहीं देखिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो इंडिविजुअल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन दे रही हैं। तो एक तरीके से देखिए हमारे संविधान में जैसे ही DPSP के बाद जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई, तो उन्होंने जो है सिटीजन को भी जो है बाध्य कर दिया कि जो है आपको कुछ ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना होगा, तभी जाके आपको कुछ राइट्स मिलेंगे। तो देखिए इसके रिगार्डिंग क्या होता है ना, देखिए होता क्या है, 1976 में क्या होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें कि इंसर्ट होता है आर्टिकल 51A जो कि पार्ट 4 में है, और इसको कहा, ये जो एक्ट होता है ये होता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। वहीं 2002 में एक फंडामेंटल ड्यूटी और जोड़ी जाती है। तो आपको ये याद रखना है कि पार्ट 4A कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया, इस पार्ट 4A में क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि पार्ट 4 में क्या है, पिछले सेक्शन में मैं इसको डिस्कस किया हूँ, तो आप ज़रूर बताइए कि पार्ट 4 क्या है। इसके अलावा देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो हमारी कहाँ से इंस्पायर्ड है, USSR से। इसके अलावा देखिए जितनी भी मेजर कंट्रीज़ हैं, USA, कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जितनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनमें ये जो है प्रोविज़न नहीं दिखा है, बट देखिए जितनी भी सोशलिस्टिक कंट्रीज़ हैं उन्होंने फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया है। यहाँ पे ये बात क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे एक जो होती है डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में जो होता है, कई बार ये होता है कि जैसे USA का आप उदाहरण ले लेंगे तो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वहीं देखिए जब सोशलिस्ट गवर्नमेंट होती है तो वहाँ पे क्या माना जाता है, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। तो एक तरीके से इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक दूसरे के ऑब्लिगेशंस पूरे करने के लिए। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो देखिए इसमें होता क्या है दोस्तों, कि अगर हम देखें बेसिक इसमें जो उदाहरण देखें, तो इसमें होगा क्या कि जो है लेजिस्लेटिव प्रोसेस, क्या किसी आपने सुना कि जो है लेजिस्लेटिव प्रोसेस कभी दी गई है किसी के रिगार्डिंग कोई ड्यूटी को इन्फोर्स करने के लिए, नहीं दी गई है। अब देखिए दे आर कोरिलेटिव विथ लीगल ड्यूटीज़, क्या ऐसा आपने सुना कि लीगल ड्यूटीज़ हमारी कुछ हैं उनके कोरिलेटिव हैं, तो ये भी गलत हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाता है, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसका ये डी ऑप्शन करेक्ट क्यों हुआ वो जानते हैं। देखिए जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं और सिटीजन जो है मॉरली ऑब्लाइज्ड है उनको फॉलो करने के लिए, लीगली नहीं बोला गया है। देखिए मॉरली, जैसे कि जो DPSP हैं वो क्या हैं, एक तरीके से DPSP को जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने बोला था दे आर मॉरल ऑब्लिगेशन अपॉन स्टेट, तो मैंने बोला था कि मॉरल ऑब्लिगेशन है, तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं है बट ये मॉरल ऑब्लिगेशन है जिन्हें हमें ध्यान में रखना ही होगा। अब देखिए दे सर्व एज अ कॉमन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर सिटीजन्स एंड प्रमोट सेंस ऑफ डिसिप्लिन कमिटमेंट, ये जो है बेसिक्स हो गया आपको पता है। इसके अलावा देखिए DPSP जैसे नॉन जस्टिफाइबल हैं तो इसी तरीके से ये भी नॉन जस्टिफाइबल हैं, तो मगर इनके केस में क्या होता है, एक लीगल सैंक्शन लगाया जा सकता है अगर आप इनको वॉयलेट करते हैं। जैसे कि जो है मान लीजिए कि आप तिरंगे का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो इसके लिए मैंने पीछे बताया ऑनर एक्ट है, नेशनल ऑनर एक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो है जेल हो सकती है। तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं कि ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ हैं, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हैं। अब देखिए आप DPSP पढ़ेंगे तो ये क्या है, यहाँ पे भी ये कहा गया था कि पार्लियामेंट If find it relevant may enforce it by law, तो पार्लियामेंट इनको कभी भी enforce कर सकती है, तो ये enforceable by law हो जाते हैं। तो देखिए इसके अलावा देखिए पार्लियामेंट कोई भी इनके ऊपर जो है पेनल्टी अगर चाहे तो पार्लियामेंट इसके ऊपर फाइन भी लगा सकती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ के प्रोविजन के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन था, 2015 में UPSC ने पूछा था, टू अपहोल्ड सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज इन मेड इन द प्रोविजन ऑफ। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए कि ये किसके प्रोविजन में दिया गया है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, टू प्रोटेक्ट सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। यहाँ पे एक शब्द ऐसा है जो आपने देखा होगा कि अलग है, वो है सोवरेनिटी। तो यहाँ पे देखिए अगर आप शुरुआत में देखें तो इसमें प्रीएम्बल में दिया गया है, तो वहाँ पे हमने बात की गई है टू अपहोल्ड प्रोटेक्ट सोवरेनिटी का जो है वर्ड वहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है, तो इसका सीधा सीधा उत्तर क्या हो जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। आइए जानते हैं क्यों होता है।
देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ का ये एनसीईआरटी का एक छोटा सा जो है हमने एक डायग्राम ले लिया है। तो आर्टिकल 51A में जो है हमारी सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो जोड़ी जाती हैं। तो सबसे पहला क्या हो जाता है, टू अबैड कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स इंस्टीट्यूशंस नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल गोल्स इंस्पायर्ड बाय आवर नेशनल स्ट्रगल फ्रीडम फॉर फ्रीडम, टू अपहोल्ड प्रोटेक्ट एंड सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू डिफेंड द कंट्री विद एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज वेन एवर नीडेड, टू प्रमोट हारमोनी एंड स्पिरिट कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ट्रांसेंडिंग रिलीजियस लिंग्विस्टिक सेंक्शन, टू वैल्यू द एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंपोजिट कल्चर, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट लेक्स, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म स्पिरिट इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर वायलेंस, टू स्ट्राइव एक्सीलेंस इन स्पेयर्स। तो देखिए ये जो है बेसिक जो है आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है याद होनी चाहिए। मैं ये स्क्रीनशॉट आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, इसकी PDF जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक छोटा सा नोट भी है, NCERT में ही है ये, हम सारी जगहों से कलेक्शन करके आपको ये जो है एक तरीके से आपका काम आसान कर दे रहे हैं। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू द चाइल्ड वार्ड बिटवीन 6 and 14 ईयर्स वॉज ड्यूटी एडेड बाई 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो देखिए होता क्या है, 2002 में क्या होता है, RTE एक्ट आता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002। तो ये 2002 का जो एक्ट आता है उसके एक तरफ तो हम दे देते हैं चिल्ड्रंस को राइट टू स्टडी, मतलब RTE दे देते हैं, वहीं दूसरी ओर पेरेंट्स को मॉरली ऑब्लाइज्ड कर देते हैं 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए कि आप अपने बच्चों को जो है स्कूल भेजिए। तो देखिए सरकार ने एक तरीके से, सरकार ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभा दी मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर छोड़ दी, पेरेंट्स के ऊपर। तो इसीलिए ये कहते हैं मॉरल गवर्नमेंट इज़ अकाउंटेबल गवर्नमेंट एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, आज के कॉन्सेप्ट्स ऑफ द डे पे आ जाते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट्स ऑफ द डे में बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के फीचर्स की। तो देखिए हमारे जो ड्यूटीज़ हैं वो कुछ मॉरल ड्यूटीज़ हैं, कुछ सिविक ड्यूटीज़ हैं, जो कि इंस्पायर्ड कहाँ से है, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से, जो कि हमारे नोबल गोल्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए थे। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनका कोडिफिकेशन का जो टास्क है वो इंडिया की डे टू डे लाइफ से ही इंस्पायर्ड है। इसके अलावा देखिए जो फंडामेंटल राइट की तरह ये हर सिटीजन पर ही एक्सटेंड करती है और ये फॉरेनर्स पे जो है लागू नहीं होती हैं, क्योंकि ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स। जैसे कि कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो फॉरेनर्स के लिए भी हैं मगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर सोलली फॉर द इंडियन सिटीजन्स, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं पूरी तरीके से सिटीजन के लिए एक्सटेंड होती हैं। इसके अलावा देखिए DPSP जो हैं DPSP की तरह ही ये नॉन जस्टिफाइबल हैं और इनका डायरेक्ट एनफोर्समेंट कोर्ट के ज़रिए नहीं हो सकता। हाउएवर इनका जो है लीगल सेंक्शन इसके ऊपर लगाई जा सकती है, जो मैं आपको पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। अब ये देखिए ये लक्ष्मीकांत का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो आप इसको गंभीरता से लें। तो जो है ये कोर्ट जो है इनकी सहायता भी ले सकता है वाइल एग्जामिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। और 1992 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ये रूल करता है कि अगर हम किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी अगर देखते हैं तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो है हम जो है कंसिडरिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी करार दे सकते हैं, और ये जितनी भी ड्यूटीज़ हैं वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हैं और पार्लियामेंट इनका जो है इम्पोजिशन के लिए कोई भी लॉ बना सकती है। तो इसी को देखते हो 1976 में गवर्नमेंट ने जो है सरदार सोरेन सिंह की कमेटी का गठन किया। जो सरदार सोरेन सिंह कमेटी थी उन्होंने रिकमेंडेशन दी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रिगार्डिंग। इसके बाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करती है और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1976 में। इसके अलावा देखिए जो पार्ट 4A में जो है कॉन्स्टिट्यूशन की जो है फंडामेंटल ड्यूटी अलग से जोड़ा जाता, मगर जो है कुछ जो है आइवोर जेनिंग्स और कुछ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ये मानते हैं कि अगर इसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ की फंडामेंटल राइट्स की तरह पार्ट 3 और जो है DPSP की तरह पार्ट 4 में रखा जाता है, अलग से पार्ट 4A नहीं बनाया जाता, तो ये जो है ज़्यादा कारगर सिद्ध होती। तो देखिए ये जो है ये पार्ट जो है जिसमें आर्टिकल 51A आता है, इसमें देखिए पूरा जो फोर्थ
ए पार्ट है, उसमें खाली एक ही आर्टिकल है जिसमें आपकी 10 की 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं दी गई हैं। तो आइए देखते हैं लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, मैं आपको ये पीछे डायग्राम में पूरी जो है दिखा चुका हूँ, तो आप एक बार इसको फिर से देख लें। ये लक्ष्मीकांत का स्क्रीनशॉट है, मैं आपके लिए स्क्रीन पर छोड़ रहा हूँ, मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। तो आइए आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पर चलते हैं। तो दोस्तों ये देखिए कल के सॉल्यूशन ऑफ द डे, तो देखिए डीपीएसपी पे अप्लाइड क्वेश्चन था, तो इसका आंसर सीधे सीधे क्या हो जाता है, विच ऑफ़ द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन आर ट्रू। तो ये देखिए यहाँ पे इसका आंसर था 3, यानी कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। वहीं देखिए कल का क्वेश्चन ऑफ द डे ये था कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन डीपीएसपी। तो इसमें देखिए इसका ओनली 2 था, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ लिकर। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन ऑफ द डे और सॉल्यूशन ऑफ द डे आपको वीडियो में कंटिन्यूटी बनाने में मदद मददगार हो रहे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।